अर्शन बहुत तेज, अर्शन कैमूर फिसल जाओगे बेटा, ध्यान से ध्यान से, बस गार्डन में नहा लो, गार्डन में, गार्डन में नहा लो। देखिए माशाल्लाह से दूसरा भेज है, ये भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, बस बिल्कुल बन चुकी है, अब इसको निकाल दूंगी मैं। सामान मसाला होममेड है, मार्केट में ही मिलता है, बट मैंने खुद नहीं बनाया है, तो बस अब ये डाल दूंगी। Hey guys, how are you? I'm good and fine. Welcome back to my channel. और आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर, साउथ इंडियन डिश। और बाहर का व्यू देखें आप, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रोज़ मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। जोधपुर में बहुत कम बारिश आती है, बिकॉज ये सूर्य नगरी है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश आ रही है माशाल्लाह। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। मौसम अभी 5 मिनट के लिए बारिश हुई है और उसके बाद बंद हो गई है, हो सकता है बारिश आए, बट लेकिन अभी फ़िलहाल तो बंद हो गई। ये देखें 5 मिनट बारिश हुई थी और फिर बंद हो गई। बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल सब्जियां ली हैं, तो भिंडी, बैंगन, टिंडे, गवारफली और घिया लौकी, जो लौकी भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने तो दाल भी गो दी थी और ये चावल हैं। तो बस और मैं आपको दिखाती हूँ आगे से और क्या करना है। मैं सब्ज़ियाँ कट कर लेती हूँ। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, जयश। कैसी लग रही है? बोला था ना अच्छी है। तैमूर पार्टी हो रही है, आपको पीना था ये? अच्छा अच्छा, चिप्स ला कर दूँ? अच्छा ला रही हूँ, ये लो तैमूर। पियो मेरे इंडा बन जाओगे इंडा। अराज चिप्स आ गई, आ गया मजा है? मजे को नहीं आएगा। तो जी सारी सब्जी मैंने काट ली है और ये देखें, एक आलू लिया था, आलू भी कट कर लिया है और बस हम इसको कुकर में डाल देंगे। ये तुअर दाल है जो भिगो के रखी थी, तो इसको भी डाल दूंगी। जो सब्जी वाला चम्मच होता है बस वही भर के डाल देंगे और इसी में डाल देंगे कि मैंने कूटा है अदरक और लहसुन, आपके पास अगर पिसा वाला खाए तो आप वो डालें, तो ये डाल देंगे। और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इसको कट कर लिया और बस ये डाल दूंगी। अब इसमें जाएंगे मसाले, तो एक चम्मच मैंने डाली लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल दूंगी मैं ये हल्दी, और एक चम्मच अभी फ़िलहाल के लिए मैं डाल देती हूँ नमक, फिर देख लेंगे आगे अगर कम ज़्यादा हुआ तो। और ये पानी डाल रही हूँ मैं, सारी सब्जियाँ कवर हो जाए बस इतना पानी डालना है, अब आपके हिसाब से देख लेना है। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ दाल वगैरह सब कवर हो गई, तो बस इतना ही पानी डालना है। टेबल बहुत शोर मचा रहा है, तो ये कवर हो गई, बस इतना
इतना पानी डालना, अब इसको रख देंगे हम गैस पर। यहाँ पर मैंने अमूल की छाछ ली है, आपके पास और कोई छाछ हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन खट्टी छाछ होनी चाहिए। तो इसमें डाल देंगे हम छाछ। ये मैंने 1 किलो सूजी ली है, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ सांभर इडली, आप अपने अकॉर्डिंग ले, आपको ज़्यादा कम जितना ही बनाना है आप अपने हिसाब से लें। तो मैंने 1 किलो सूजी ली है और 2 पैकेट छाछ के लिए हैं, तो बस अभी इसमें डाल देंगे। तो 2 चम्मच ले रही हूँ मैं चावल का आटा, आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप जो राइस आपके पास होते हैं, चावल जो खाने वाले मोटे, उसको आप ग्राइंड करके उतार दें। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें राइस, ये देखूं। और ये खाने वाला मीठा सोडा है, तो बस 1 चम्मच के करीब इसको डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी मैं, डाल दी ये वाला बेकिंग पाउडर। बस अब ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और सूजी को हम भूनने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखें हो गया ये मिक्स। सूखा वाला मेरे पास गीला नहीं था तो सूखा वाला मैंने कट कर लिया, और अब इसमें डाल दी मैं दही। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी मैं, मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें, मैं तो अंदाजे से डाल देती हूँ। देखिए ये पीस गया है हमारी चटनी नारियल वाली। देखिए तो सारी बारिश, आ हा हा मज़ा आ गया, अंदर तक बारिश आ रही है, बहुत खतरनाक बारिश है, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज। ज्यादा खतरनाक बारिश है, बहुत तेज। अर्शान तैमूर फिसल जाओगे बेटा, ध्यान से, ध्यान से। बस गार्डन में नहा लो, गार्डन में, गार्डन में नहा लो। पागल हो जाते हैं बारिश आती है। खा लिया आप? अब मैं तो बना रही हूँ इडली सांभर, कैसे जाऊँ छत पर नहाने, इतनी प्यारी बारिश आ रही है और नहाने का भी बहुत दिल कर रहा है, छत पे जाने का दिल कर रहा है। अचान अरहा तैमूर सब बाहर गए, वाह। तैमूर ने शैम्पू लगा दिया बालों में, ओहो बहुत तेज बारिश है, बहुत खतरनाक, बहुत तूफानी बारिश है, ओहो। अंदर तक ये देखें, अंदर तक मेरा पानी आ गया, बिल्कुल अंदर तक पानी आ चुका है और मैं भी गीली हो गई। ये देखें बच्चे मज़े कर रहे हैं, खूब आसान आराम साइकिल चला रहे हैं। मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश थी और बहुत तूफ़ानी बारिश थी, दिल तो बहुत ही कर रहा था नहाने का, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ तो मैं ऊपर नहीं जा पाई टेरिस पर, और ना ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कभी बारिश आएगी अगर इतनी तूफ़ानी तो फिर चले जाएंगे। तो बारिश तो आती रहती है, एक दो दिन में आती ही रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जा ही नहीं पाई। और दूसरी बात यह है कि हम जब इस तरीके के खाने बनाते हैं, जैसे इडली होता है, डोसा होता है, सांभर होता है, तो उसमें इतनी सारी सब्जियां हम डाल देते हैं, बिकॉज बच्चे बिल्कुल सब्जी, हरी सब्जी तो खाते ही नहीं है, तो उनको बेवकूफ़ बनाने का इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, तो मैश हो जाती है बिल्कुल, तो बच्चे बहुत शौक से खा भी लेते हैं। चीटिंग करता है तो
चीटिंग 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 करता है तू। मेरे बच्चों को इडली बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि अब ये सब्जियां बहुत सारी डाल देते हैं इसके अंदर, क्योंकि आलू से भी बनती है, सांभर दो तीन सब्जियों से बन जाता है, लेकिन मैंने तो बहुत ही सारी सब्जियां डाल दी उसके अंदर। तो बस यही चीज़ है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, नहीं तो वो नहीं खाते हैं हरी सब्जियां, तो कहाँ ही खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इडली मेकर ले लिया है और इसमें पानी डाल दिया और इसको इस जाली से कवर कर दिया, पानी नीचे है और ये इसके सांचे हैं। ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, अब इसको इससे ग्रीस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, नाइफ से चेक कर लेते हैं एक बार, और नाइफ बिल्कुल परफेक्ट साफ सा निकल रहा है बिल्कुल, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी इडलियाँ ऐसे बन गई हैं, देखें, और बस ज़्यादा कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा इसमें, ये देखें ऐसे निकल जाएगी बस, ये निकल गई। तो ये देखें आराम से निकल जाती है, कोई एफर्ट नहीं लगता है इतना, ये देखें, क्योंकि हमने ग्रीस लगा दिया था पहले, यहाँ पर तेल लगा दिया था इसमें सांचों में, तो ये आराम से निकल जाती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट इडली बनी है, अभी दिखाऊँगी मैं आपको। खाओ इडली, खाना है डॉन, चलो डॉन को खाना इडली, खूब चिल्ला रहा जोर जोर से। तो जी मैंने ग्रीस लगा दिया है, अब बैटर डाल देती हूँ इसके अंदर, एक पेस्ट तो मैंने निकाल लिया है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। और अब मैं बैटर डाल देती हूँ, ये मैंने मेजरमेंट के लिए बताया आपको कि स्पून लिया है, तो बस इसी से सारे सांचे में डाल दूँगी बैटर। तो सांभर तो मेरा बन चुका है, अब अघार के लिए मैंने राई जीरा और हींग लिया है, तो बस अब अघार कर देते हैं। और ये डालने कड़ी पत्ता और बस ये डाल देंगे इसमें, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है सांभर भी, ये देखें। सांभर मसाला होममेड है, मार्केट में ही मिलता है, बट मैंने खुद नहीं बनाया है, तो बस अब ये डाल दूँगी। देखिए माशाल्लाह से दूसरा भेज है, ये भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, बस बिल्कुल बन चुकी है, अब इसको निकाल दूँगी मैं। तो यहाँ मैं नारियल की चटनी में भगार कर रही हूँ, तो मैंने राई और कड़ी पत्ता लिया है, डल जाएगा। ये देखें इडली बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट बनी है, ये देखें, और सांभर भी तैयार है, सांभर भी बहुत टेस्टी बना है, ये नारियल की चटनी भी बिल्कुल रेडी है, ये देखें इडली बहुत सॉफ्ट बनी है, और मैंने ये तोड़ी है, ये देखें बहुत ही दानेदार, इतनी सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत इजी तरीके से बनी है, आप ज़रूर बनाएं। आज मैंने बनाया है साउथ इंडियन डिश इडली सांभर, और बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही यम्मी बना है, और ज़रा सी देर में मतलब थोड़ी देर में ही बन गया, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं लगता है, जब आप बनाने लगते हैं तो फटाफट से बन जाता है, और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान बहुत ही सिंपल तरीके बताती हूँ, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो बनाए खाएँ और मज़े करें, क्योंकि इस मौसम में ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर वांट टू डू, डोंट ट्रबल माता पिता इन भारत माता, बाय।